शहर के पठान कॉलोनी नया गांव में स्थानीय महिलाओं को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा सामग्री नहीं मिलने पर जिला मुख्यालय पहुंचकर रसद अधिकारी बुनकर को राशन डीलर के विरुद्ध गेहूं नहीं देने का आरोप लगाया और समय पर गेहूं देने के आदेश करवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि हमें एक बार लॉकडाउन लगा तब गेहूं दिया गया, उसके बाद आज तक कोई गेहूं नहीं दिया गया। हम बोलते हैं कि मजदूर डायरी बनाओ तथा हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं और फैक्ट्री में एक दिन छोड़कर एक दिन मजदूरी मिलती है। हालात ये हैं कि आज तक ना तो हमारा मजदूर कार्ड बना और ना ही हमें गेहूं दिए जा रहे हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहिसवाल की रिपोर्ट। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। शहर के पठान कॉलोनी नया गांव में स्थानीय महिलाओं को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा सामग्री नहीं मिलने पर जिला मुख्यालय पहुंचकर रसद अधिकारी बुनकर को राशन डीलर के विरुद्ध गेहूं नहीं देने का आरोप लगाया और समय पर गेहूं देने के आदेश करवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि हमें एक बार लॉकडाउन लगा तब गेहूं दिया गया, उसके बाद आज तक कोई गेहूं नहीं दिया गया। हम बोलते हैं कि मजदूर डायरी बनाओ तथा हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं और फैक्ट्री में एक दिन छोड़कर एक दिन मजदूरी मिलती है। हालात ये हैं कि आज तक ना तो हमारा मजदूर कार्ड बना और ना ही हमें गेहूं दिए जा रहे हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहिसवाल की रिपोर्ट। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का। शहर के पठान कॉलोनी नया गांव में स्थानीय महिलाओं को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा सामग्री नहीं मिलने पर जिला मुख्यालय पहुंचकर रसद अधिकारी बुनकर को राशन डीलर के विरुद्ध गेहूं नहीं देने का आरोप लगाया और समय पर गेहूं देने के आदेश करवाने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि हमें एक बार लॉकडाउन लगा तब गेहूं दिया गया, उसके बाद आज तक कोई गेहूं नहीं दिया गया। हम बोलते हैं कि मजदूर डायरी बनाओ तथा हम फैक्ट्रियों में काम करते हैं और फैक्ट्री में एक दिन छोड़कर एक दिन मजदूरी मिलती है। हालात ये हैं कि आज तक ना तो हमारा मजदूर कार्ड बना और ना ही हमें गेहूं दिए जा रहे हैं। टाइमेट राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहिसवाल की रिपोर्ट। मैं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।